प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पंजाब दौरे के समय जो उनकी सुरक्षा में चूक हुई है उसकी जिम्मेवारी पंजाब सरकार को लेनी चाहिए। इस चूक से यह प्रतीत होता है कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, हमारा संघीय ढांचा है, और इसलिए उनकी सुरक्षा में चूक किसी के भी द्वारा हो ये बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस हमेशा कोई भी विषय रहे उसको हानि लाभ और राजनीति से जोड़कर देखती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, इसमें भी कांग्रेस की बदनीयती नजर आती है। कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं है पीएम की सुरक्षा करना ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी और वो जिम्मेवारी राज्य सरकार को निभानी चाहिए थी। राज्य सरकार की चूक के कारण ये परिस्थिति बनी है, इसके लिए राज्य सरकार को कोई भी माफ नहीं करेगा। आज राज्य सरकार की इस लापरवाही से पंजाब के आवाम का बड़ा नुकसान हुआ है और पंजाब की गरिमा भी बहुत गिरी है।